फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम समझेंगे यूनिट 7 सी रीडिंग कोनेरू हम्पी के क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है, व्हाट वाज हम्पीज फर्स्ट रिमार्केबल अचीवमेंट। जो हम्पी थी उनका फर्स्ट रिमार्केबल अचीवमेंट क्या था। हम्पी वॉन द अंडर 8 नेशनल चेस चैम्पियनशिप इन द ईयर 1995। जो हम्पी थी उन्होंने अंडर एट में जो नेशनल चेस चैम्पियनशिप हुआ था 1995 में वो जीता था। दिस वॉज द हम्पीज फर्स्ट रिमार्केबल अचीवमेंट, और यही उनका फर्स्ट रिमार्केबल अचीवमेंट था। अब देखते हैं क्वेश्चन टू है, एट प्रेजेंट हु डू यू थिंक इज द यंगेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर और वाई। आपको बताना है कि अभी सबसे पहले यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है और क्यों है वुमेन में। I think Hu Yifan is the youngest woman grandmaster in the world because she has achieved this feat at the age of 14 years 6 months. मेरे ख्याल से या मेरे सोचने के अकॉर्डिंग जो Hu Yifan है वो youngest woman grandmaster है दुनिया में, क्योंकि उन्होंने 14 years 6 months की एज में ही ये अचीव कर लिया है। बाय डूइंग दिस शी हैज़ ब्रोकन हम्पीज रिकॉर्ड, और ये करकर उन्होंने जो हम्पी का रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। क्वेश्चन 3, वॉज हम्पीज फादर राइट इन गिविंग अप हिज जॉब फॉर हम्पी, वॉट शुड यू हैव डन। सपोर्ट योर आंसर। क्या जो हम्पी के पिता ने उन्होंने उनकी जॉब छोड़ दी थी वो सही थी, अगर आप उनकी जगह रहते तो क्या करते। यस, हम्पीज फादर वॉज राइट इन गिविंग अप हिज जॉब फॉर हम्पी। हाँ, जो हम्पी के पिता ने उनकी जॉब छोड़ के किया वो सही किया। इफ़ आई वर इन हिज प्लेस, अगर मैं उनकी जगह पर रहती आई टू वुड हैव डन द सेम, मैंने खुद ने भी वही चीज़ की रहती जो हम्पी के पिता ने की है। हिज डिसीजन प्रूव्ड राइट, और उनके डिसीजन ने सही प्रूव हुआ, उन्होंने जो सोचा था वो वही हुआ। हम्पी हैज़ बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन अंडर हर फादर्स गाइडेंस। जो हम्पी थी वो वर्ल्ड चैम्पियन बन गई उनके फादर के गाइडेंस में। शी हैज़ अकम्प्लिश्ड अ लॉट इन द वर्ल्ड वुमेन्स चेस चैम्पियनशिप, और उन्होंने बहुत सी जीत हासिल की वुमेन्स चेस चैम्पियनशिप्स में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4, व्हाट क्वालिटीज़ वुड यू हैव हेल्प्ड हम्पी टू रीच द टॉप इन चेस। क्या क्वालिटीज़ थी हम्पी की जिन्होंने उनकी मदद की चेस में टॉप होने में। डू दे हेल्प यू इन एनी वे, शेयर योर आइडियाज़। क्या उन्होंने आपको भी हेल्प किया, आपके आइडियाज़ बताइए, ऐसा ये क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब समझते हैं उसका आंसर। कंसिस्टेंसी, प्रिजर्वरेंस, डिलीजेंस, प्रैग्मेटिक, प्रिसाइशन आर सम ऑफ द क्वालिटीज दैट हेल्प हम्पी टू रीच द टॉप इन चेस।